11 अगस्त कौमी अकलीती दिन के मौका पर चेलाराम केवलानी ने पाकिस्तान में बसने वाली तमाम अकलीतों को मुबारकबाद और अपने खसूसी पैगाम में कहा है कि पाकिस्तान की अकलीती बरादरी ने न सिर्फ पाकिस्तान बनते वक्त बल्कि पाकिस्तान के वजूद में आने के बाद भी अपनी दयानतदारी और मेहनत से पाकिस्तान की तरक्की में अहम किरदार अदा कर रही है। उन्होंने कहा है कि आज अगर हम बात करें पाकिस्तान के तालीमी इदारों की, तो पाकिस्तान के तालीमी इदारों में अकलीती बरादरी से मनसूब तालीमी इदारे सरफहरिस्त नजर आते हैं। ये तालीमी इदारे बाही बरादरी, पारसी और मसीही बरादरी की काविशों के मरहूने मिन्नत हैं। आज अगर हम बात करें सेहत के इदारों की, तो पाकिस्तान की अकलीती बरादरी ने इसमें भी बढ़ चढ़ कर अपना किरदार अदा किया है। हिंदू हो या मसीही बरादरी, सिख बरादरी हो या पारसी, बेशुमार हॉस्पिटल अकलीतों के पाकिस्तान से मोहब्बत की एक मिसाल पेश करते हैं, जहाँ न सिर्फ बेहतरीन इलाज की सहूलियात में असर है बल्कि जरूरतमंद अफराद के लिए मुफ्त इलाज की सहूलियात भी मुहैया की जाती है। और आज अगर हम बात करें पाकिस्तान की मुआशी तरक्की की, तो हिंदू बरादरी का नाम लिए बगैर पाकिस्तान की तरक्की का बाब मुकम्मल नहीं होता। हिंदू बरादरी और दीगर अकलीतों ने अपनी बेपनाह सलाहियतों और अथक मेहनत से पाकिस्तान की तजारत, इम्पोर्ट हो या एक्सपोर्ट या मैन्युफैक्चरिंग में, एक अहम किरदार अदा किया है और पाकिस्तान को मुआशी तौर पर मुस्तहकम करने में अकलीती किरदार अदा किया है। उन्होंने मजीद कहा है कि मैं अपनी तमाम अकलीती बरादरी से उम्मीद रखता हूँ और दिल की गहराइयों से ये दरख्वास्त भी करता हूँ कि हम मजहब से बालातर होकर इस पाक धरती की तरक्की में मजीद अपनी सलाहियतों और अकलमंदी से अहम किरदार अदा करें, ताकि देखने वाले बे इख्तियार होकर ये कह उठें कि पाकिस्तान मजहबी रवादारी की एक जिंदा मिसाल है।